नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब? ठीक हो ना? अच्छा बच्चों, ये बताओ आपको कविता सुनना कैसा लगता है? अच्छा ना, तो चलो मैं तुमको एक कविता सुनाती हूँ। पैसे पास होते तो चार चने लाते, चार में से एक चना घोड़े को खिलाते। घोड़े को खिलाते तो पीठ पे बिठाता, पीठ पे बिठाता तो बड़ा मजा आता। इस कविता में एक जानवर का नाम दिया है। हम इसमें किसी दूसरे जानवर का नाम भी जोड़ सकते हैं और एक नई कविता बना सकते हैं। तो चलो बताओ कौन से जानवर और पक्षी का नाम जोड़ना है? हाँ, तोता पक्षी को जोड़ते हैं। पैसे पास होते तो चार चने लाते, चार में से एक चना तोते को खिलाते। तोते को खिलाते तो टाए टाए चिल्लाता, टाए टाए चिल्लाता तो बड़ा मजा आता। इसी तरह और जानवर या पक्षी के नाम उनके खान पान को जोड़कर हम नई कविता बना सकते हैं। ठीक उसी तरह इस पाठ में मदन नाम का लड़का अपनी कविता बनाता है और उसकी कविता के कमाल के कारण राजा का खजाना चोरी होने से बच जाता है। तो इस तरह से भी व्यक्ति कविता बोलकर पुरस्कृत हो सकता है। तो बच्चों आओ पढ़ते हैं पाठ 23, कविता का कमाल, और जानते हैं कविता में क्या कमाल हुआ। बहुत पुरानी बात है, मदन नाम का एक लड़का अपनी माँ के साथ गांव में रहता था। उसके पिताजी नहीं थे, माँ बेटे बहुत गरीब थे, उनके पास कमाई का कोई साधन नहीं था। फिर भी मदन दिन भर खेल कूद में ही अपना समय बिता देता था। परेशान होकर एक दिन उसकी माँ ने कहा, अब मैं तुझे बिठाकर नहीं खिला सकती, जा कुछ पैसे कमा कर ला। मदन घर से निकल पड़ा। वह गहरी सोच में डूबा था कि कैसे पैसे कमाए। अचानक उसे ढिंढोरा पीटने की आवाज़ सुनाई दी। सुनो सुनो सुनो, राज दरबार में कवि सम्मेलन हो रहा है। सबसे अच्छी कविता सुनाने वाले को 100 असरफियाँ इनाम में मिलेगी। असरफिया मतलब क्या होता है? असरफिया मतलब होता है सोने का सिक्का। तो जो सबसे अच्छा कविता सुनाएगा उसे 100 असरफियाँ मिलेंगी। मदन चौकन्ना हो गया। 100 असरफियाँ, यह तो बना बनाया मौका था। वह सीधे राजमहल की ओर चल पड़ा। चलते चलते वह सोच रहा था कि उसने कभी कविता तो रची ना थी, क्या सुनाएगा वहां पहुंचकर। उसने सोचा रास्ते में कुछ ना कुछ तो सूझ ही जाएगा। थोड़ी दूर पहुंचा तो उसे एक कुत्ता दिखाई दिया। कुत्ता पंजों से जमीन को खोदने में लगा था। मदन ने अपनी कविता की एक पंक्ति सोच ली। खुदुर खुदुर का खोदत है। यह पंक्ति उसे इतनी पसंद आई कि उसे दोहराते हुए वह एक तालाब के पास पहुंचा। वहां एक भैंस पानी पी रही थी। मदन बोल पड़ा, सुरूर सुरूर का पीबत है। मुस्कुराते हुए वह आगे बढ़ा। इतने में उसे एक पेड़ की डाल पर चिड़िया बैठी दिखाई पड़ी। पत्तियों के बीच से वह सिर निकालकर इधर उधर झांक रही थी। उसे देखते ही मदन के मुंह से निकल पड़ा, ताक झाक का खोजत है। तीनों पंक्तियों को रटते रटते वह चलता गया। रटते रटते उसे अपने आप एक और पंक्ति सूझ गई। हम जानत हैं का ढूंढत है। अब तो सचमुच उसके मन में लड्डू फूटने लगे। लड्डू फूटने लगे मतलब खुश होना। लड्डू फूटने लगा एक मुहावरा है। तो वह बहुत खुश हो गया कि कितनी आसानी से उसकी कविता बनते जा रही थी। कितने आराम से वह कविता रचता चला जा रहा था। तभी सर्र की आवाज सुनाई पड़ी। मदन ने चौंक कर देखा कि एक सांप रेंगता जा रहा था। उसने आगे की पंक्ति भी तैयार कर ली। सरक सरक कह भागत है, जानत हो हम देखत हैं, हमसे ना
बच सकत है। अब केवल एक पंक्ति बाकी रह गई थी, पर मदन निश्चिंत था। निश्चिंत था मतलब उसे कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि वह कविता बहुत आसानी से बनाते चला जा रहा था कि वह पंक्ति भी चलते चलते सूझ जाएगी। राजधानी पहुंचा तो राजमहल का रास्ता ढूंढने की समस्या खड़ी हुई। पास में खड़े एक आदमी से मदन ने पूछा, भैया आपको राजमहल का रास्ता मालूम है? क्यों नहीं? उस आदमी ने उत्तर दिया, मुझे नहीं तो और किसे मालूम होगा? मदन ने सोचा कि अवश्य यह राजमहल का ही कोई कर्मचारी होगा। उसने पूछा, आप कौन हैं साहब? उत्तर मिला, धन्नु साहब। मदन के दिमाग में एकाएक बिजली कौंधी, मतलब उसके दिमाग में तुरंत एक विचार आ गया, धन्नु शाह भाई, धन्नु शाह, क्या बढ़िया शब्द थे। उसने इन्हीं शब्दों से अपनी कविता की अंतिम पंक्ति बना डाली। वह खुशी खुशी राजमहल पहुंचा। अंदर घुसने से पहले उसने अपनी कविता फिर से दोहराई, खुदुर खुदुर का खोदत है, सुरूर सुरूर का पीबत है, ताक झाक का खोजत है, हम जानत है का ढूंढत है, सरक सरक कह भागत है, जानत हो हम देखत हैं, हमसे ना बच सकत है, धन्नु सा भाई धन्नु शाह। राजमहल में कवि सम्मेलन शुरू हो चुका था। एक एक करके कवि अपनी कविता सुना रहे थे। बारी आने पर मदन ने भी अपनी कविता सुनाई। सुनने वाले एक दूसरे का मुंह ताकने लगे, क्या अर्थ है इस विचित्र कविता का? पर किसी ने भी यह नहीं दिखाया कि उसे कविता समझ में नहीं आई थी। राजा के सामने वे मूर्ख नहीं दिखना चाहते थे। उस रात राजा साहब की भी नींद गायब हो गई। मदन की कविता उनको सता रही थी, क्योंकि मदन की कविता इतनी विचित्र थी कि राजा को भी समझ में नहीं आई थी। छज्जे पर खड़े होकर वे कविता दोहराने लगे। सोचा कि शायद इसी तरह से इस पहेली को बूझ पाए। संयोग से उसी समय कुछ चोर राजा के खजाने में सेंध लगा रहे थे। उनमें से एक चोर वही धन्नु शाह था, जिसने आज दिन में मदन को राजमहल का रास्ता बताया था। ऊंची आवाज में राजा साहब बोलते जा रहे थे, खुदुर खुदुर का खोदत है। चोरों ने सुना तो वे चौंक कर रुक गए, चोर घबरा गए। क्या किसी ने देख लिया था उन्हें? डर के मारे चोरों का गला सूखने लगा। जब आपको डर लगता है तो आपका गला सूखता है ना, वैसे ही उन चोरों का भी गला सूखने लगा। अपने साथ जमीन को मुलायम करने के लिए वे पानी लाए थे। धन्नु शाह ने उठकर एक आधा घूट निगला। तभी राजा साहब बोले, सुरूर सुरूर का पीबत है, चोरों को काटो तो खून नहीं। चोर और डर गए, सहम कर इधर उधर झांकने लगे कि कोई पकड़ने तो नहीं आ रहा है। राजा ने फिर कहा, ताक झाक का खोजत है, हम जानत है का ढूंढत है। यह सुनकर चोरों ने सोचा कि किसी तरह जान बचाकर भाग जाएं। वे दबे पांव बाहर सरकने लगे, पर राजा की फिर आवाज आई, सरक सरक कह भागत है, जानत हो हम देखत है, हमसे ना बच सकत है, धन्नु सा भाई धन्नु सा। धन्नु सा की तो सांस वहीं रुक गई। उसने सोचा, अब कोई चारा नहीं, बस राजा साहब से दया की भीख मांग सकता हूँ। दौड़कर उसने राजा साहब के पैर पकड़ लिए और विनती करने लगा, क्षमा कर दीजिए महाराज, अब मैं भूल कर भी ऐसा काम नहीं करूँगा। वैसे हमने कुछ लिया ही नहीं, आपका खजाना सही सलामत है। राजा साहब हक्के बक्के रह गए। उन्होंने तुरंत सिपाहियों को बुलाकर छानबीन करवाई तो पता चला कि उनका खजाना लूटते लूटते बचा था।
मदन को बुलवाया गया। राजा ने शाबाशी देकर कहा, यह सब तुम्हारी कविता का कमाल है। मदन को सोने चांदी से मालामाल कर दिया गया। वह खुशी खुशी अपने गांव लौट आया। अब उसके पास अपने और अपनी माँ के खाने पीने के लिए पर्याप्त धन था। तो बच्चों, कैसी लगी ये कहानी? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कुछ ना कुछ काम करते रहना चाहिए। ये पाठ अच्छा लगा ना? चलो अब हम कुछ अभ्यास कार्य करते हैं। प्रश्न पहला है, कुत्ते को जमीन खोदते देखकर मदन ने कविता की क्या पंक्ति सोची? सोचो क्या सोची थी। हाँ, कुत्ते को जमीन खोदते देखकर मदन ने कविता की पंक्ति सोची, खुदुर खुदुर का खोदत है। अगला प्रश्न है, ताक झाक का खोजत है। मदन ने यह किसके लिए कहा? सोचो जरा, ये किसके लिए कहा था? हाँ, ताक झाक का खोजत है, मदन ने यह पंक्ति पेड़ की डाल पर बैठी चिड़िया के लिए कहा। अगला प्रश्न है, धनुषा कौन था? उसने राजा से माफी क्यों मांगी? हाँ, धनुषा चोर था। वह खजाने की चोरी करने आया था। पकड़े जाने पर सजा से बचने के लिए उसने राजा से माफी मांगी। अगला प्रश्न है, राजा ने मदन को इनाम क्यों दिया? सोचो जरा, राजा ने क्यों इनाम दिया? हाँ, मदन की कविता के कारण ही राजा का खजाना चोरों से बच गया। चोरी करने आए चोर को पकड़ लिया गया और राजा का खजाना लूटते लूटते बच गया, इसलिए राजा ने मदन को इनाम दिया। अगला प्रश्न है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाओ। बच्चों, नीचे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं जिनके चार विकल्प हैं, उनमें से एक सही विकल्प को चुनकर आपको सही का निशान लगाना है। तो पहला प्रश्न है, कविता लिखने वाले को क्या कहते हैं? आ लेखक, ब कवि, स कहानीकार, द पत्रकार। सही उत्तर है कवि। अगला प्रश्न है, बाहर का विलोम शब्द है? आ आगे, ब पीछे, स अंदर, द नीचे। बताओ सही विकल्प क्या होगा? हाँ, सही विकल्प है अंदर। अगला प्रश्न है, मुलायम शब्द का अर्थ है? आ गरम, ब नरम, स कठोर, द मजबूत। हाँ, इसका सही उत्तर है ब नरम। अगला प्रश्न है, माला माल का अर्थ है? आ माल लादना, ब गरीब, स धनवान और द निर्धन। इसका सही उत्तर क्या है सोचो? हाँ, इसका सही उत्तर है स धनवान। अगला प्रश्न है, नीचे कुछ काम दिए गए हैं जिन्हें करने वालों को क्या कहेंगे? लिखो। पहला, कविता लिखने वाले को। दूसरा, पहरा देने वाला। तीसरा, खेती करने वाला। चौथा, मरीजों का इलाज करने वाला। तो बताओ बच्चों, कविता लिखने वालों को क्या कहते हैं? कविता लिखने वाले को कवि कहते हैं। पहरा देने वाले को पहरेदार कहते हैं। खेती करने वाले को क्या कहते हैं? हाँ, खेती करने वाले को किसान कहते हैं। मरीजों का इलाज करने वाला डॉक्टर। अगला प्रश्न है, प्रत्येक खंड से शब्द लेकर पूरा वाक्य बनाओ और लिखो। जैसे इसमें शब्द दिया हुआ है, मदन, अपनी, राजमहल, गया, वह, क्यों, को, स्वभाव का, सुनाई आदि शब्द दिए हुए हैं खंड में। तो इन चारों खंडों से एक एक शब्द लेकर हम वाक्य बनाते हैं। तो चलो पहला वाक्य बनाते हैं। पहले खंड से लेते हैं हम मदन, दूसरे खंड से ले लेते हैं खुशी खुशी, तीसरे खंड से लेते हैं राजमहल और चौथे खंड से लेते हैं पहुंचा। तो इस प्रकार से हमारा पहला वाक्य बन जाता है, मदन खुशी खुशी राजमहल पहुंचा। अगला वाक्य बनाते हैं दूसरे खंड को लेकर। शब्द लेते हैं पहले खंड से वह, दूसरे खंड से लेते हैं मस्त,
तीसरे खंड से लेते हैं स्वभाव का और चौथे खंड से लेते हैं था। तो इस प्रकार से हमारा अगला वाक्य बन जाएगा, वह मस्त स्वभाव का था। फिर अगला वाक्य बनाते हैं हम, पहले खंड से लेते हैं मदन ने, दूसरे खंड से लेते हैं अपनी, तीसरे खंड से लेते हैं कविता और चौथे खंड से लेते हैं सुनाई। तो इस प्रकार से हमारा नया वाक्य क्या बन गया, मदन ने अपनी कविता सुनाई। हम अगला वाक्य बनाते हैं, पहले खंड से लेते हैं मदन, दूसरे खंड से को, तीसरे खंड से बुलवाया और चौथे खंड से गया। तो इस प्रकार से कौन सा वाक्य बनेगा, हमारा वाक्य बन जाएगा मदन को बुलवाया गया। तो चलो बच्चों, अब हम कुछ गृह कार्य के प्रश्न देते हैं। प्रश्न पहला है, कटहल शब्द में चार वर्ण हैं, क, ट, ह और ल। ऐसे ही इन चार वर्णों से जितने अधिक से अधिक शब्द बना सकते हो बनाओ, जैसे कवियत्री, कहकर, कर्तव्य आदि। तो इसी तरीके से आपको और अधिक से अधिक शब्द बनाने हैं। प्रश्न दूसरा है, रटते रटते उसे अपने आप एक और पंक्ति सूझ गई। इस वाक्य में रटते रटते का प्रयोग हुआ है। इसी तरह निम्नलिखित का अपने वाक्यों में प्रयोग करो। पहला है चलते चलते, दूसरा है हंसते हंसते, तीसरा है पढ़ते पढ़ते, चौथा है दौड़ते दौड़ते और पांचवा है बोलते बोलते। अगला प्रश्न है, मदन की तरह आप भी अपने आसपास की वस्तुओं से चार लाइन की कविता बनाओ और अपने दोस्तों को सुनाओ। अब गृह कार्य का अंतिम प्रश्न है, अपनी पसंद का कोई चित्र बनाओ और उसमें रंग भरो। तो बच्चों, हम फिर मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में।